ये है यू जी सी नेट पेपर वन का सिलेबस पेपर का नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ये जो है यू जी सी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सिलेबस है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ पेपर वन जैसा कि आप देख सकते हैं पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग देन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो

Answered. then unit number 4 we talk about communication communication hota hai? meaning types and characteristics of communication effective communication verbal non-verbal intercultural group communication barriers to effective communication mass media and society then unit number 5 mathematical reasoning and aptitude types of reasoning number series later series code and relationships mathematical aptitudes and functions times and distance ratio proportion percentage profit and loss interest and discounting averages etc etc Unit number six is about logical reasoning, where we talk about structure of arguments, argument forms, structure of uh, categorical propositions, mo uh, mood and figure, formal and informal use of language. Somewhere talking about connotations and denotations of terms, classical square of opposition. Then evaluation and distinguishing deductive and inductive reasoning, analogies, Venn diagram, Indian logic. Then we talk about pramanas, pr uh, pramitis, Pratyaksha, uh, shabd. लॉर्ड ऑफ थिंग्स स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान लॉर्ड ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू इंडियन लॉजिक और इंडियन नॉलेज सिस्टम रहा वी टॉक अबाउट मीन्स ऑफ मीन्स ऑफ नॉलेज हो गई यूनिट नंबर सेवन बात करते हैं हम डेटा इंटरप्रटेशन की जहाँ पर आते हैं सोर्सेस एक्विजिशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्वानिटिव कॉलिटेटिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाई चार पाई डाग्राम इंस्टोग्राम्स लॉर्ड ऑफ थिंग्स डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा एंड गवर्नेंस बेसिकली कुछ डेटा दिया होगा जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे नाउट दट डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल पिक्चर्स एनी जो भी दिया हो सकता है Unit number eight Information and Communication Technology, ICT and Computers Related, ICT General Abbreviations and Terminology, Basics of Internet, Internet, Email, Audio, Video, Conferencing, Digital Initiatives in Higher Education, ICT and गवर्नेंस यूनिट नंबर नाइन जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इसमें तीनों ही टॉपिक आते हैं डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन देन एनवायरमेंटल इश्यूज लॉजिकल रीजनल एंड ग्लोबल एयर पोल्यूशन सॉयल पोलूशन नॉइज पोलूशन वाटर पोल्यूशन वेस्ट क्लाइमेट चेंज लॉट ऑफ थिंग इंपैक्ट्स ऑफ पोलूशंस ऑन ह्यूमन हेल्थ नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज सोलार विंडस ऑयल हाइड्रो जियो बायोमास न्यूक्लियर एंड फॉसल Uh, forests, not fossil, natural hazards and disasters, then Environment Protection Act 1986, and last but not the least, higher education system. Institutions of higher learning and education in ancient India, evolution of higher learning and research in post independence India. Then we talk about oriental, conventional, and non conventional learning programs. We talk about professional teaching and skill based education, value education, and environmental education. पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अभी नोट यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन चीज़ें लिखी हैं। फाइव क्वेश्चन इच कैरिंग्स टू मार्क्स आर टू बी आस्ट फ्रॉम इच मॉड्यूल अब ये यू ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि हर मॉड्यूल से हर यूनिट से दो क्वेश्चन पाँच क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो मार्क्स इच मतलब कितने मार्क्स हो गए दस यूनिट से पांच क्वेश्चन मतलब टोटल फिफ्टी क्वेश्चन एक क्वेश्चन के दो मार्क्स मतलब टोटल हंड्रेड मार्क्स राइट वेन एवर ग्राफिकल और पिक्टोरियल क्वेश्चन आर सेट फॉर साइट कैंडिडेट्स अ पैसेज फॉलोड बाई इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड वेटेज बी सेट फॉर विजुअल इंपैक्ट ओके दिस इज फॉर विजुअल इंपैक्ट पीपल बट या दैट सॉल्व पेपर नंबर वन मूविंग ऑन टू पेपर नंबर टू यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं कॉमर्स की अब ये हर सब्जेक्ट के हिसाब से हर चीज़ के हिसाब से बदलेगा आप डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा चाहिए आप जा सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आई कैन शो यू द वेबसाइट या दिस इज द वेबसाइट यू जी सी नेट यू जी सी नेट ऑनलाइन डॉट इन एंड यहाँ पर आपको सारे ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस मिल जाएगा एंड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सेम सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है कॉमर्स के लिए तो सो दिस इज द डाउनलोड फाइल ये है दस यूनिट कॉमर्स के लिए लेट्स टॉक अबाउट यूनिट वन बाय वन यूनिट यूनिट नंबर वन है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस जिसमें हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देन वी टॉक अबाउट स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड then we talk about foreign direct investment, fdi, fpi, balance of payment, regional economic integrations, asian arc, nafta, SAFTA, european union, all those things. then we talk about international economic institutions like imf, world bank, and uh, unist, uh, what is it, unctad, then world trade organization. these are the things for unit number one. यूनिट नंबर टू में हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की तो जिसमें बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पार्टनरशिप अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देन होल्डिंग कंपनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं यहाँ पर मैं क्या किया क्या क्या क्या, क्या, क्या चीजें देखना है मार्जिनल कॉस्टिंग उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल प्रोसेस कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देन कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टारगेट कॉस्टिंग काइजन कॉस्टिंग एंड जट जेट स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम फिनशल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस उसमें रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस कैश फ्लो एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जिसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एनवायरमेंटल अकाउंटिंग देन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस उसमें उसके बाद फिर ऑडिटिंग ऑडिटिंग में इंडिपेंडेंट फिनल ऑडिट वाउचिंग वेरफिकेशन ऑन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडि रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिट दैन रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग मैनेजमेंट ऑडिट एनर्जी ऑडिट एनवायरमेंटल ऑडिट सिस्टम ऑडिट सेफ्टी ऑडिट यूनिट नंबर थ्री बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म्स दैन डिमांड एनालिसिस लॉ ऑफ डिमांड इलास्टिस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर एवरेज रेवन्यू एंड मार्जिनल रेवन्यू कंज्यूमर बेहेवर यूटिलिटी इन डिफरेंस काफ एनालिस लॉ ऑफ वेरियेबल प्रमोशन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल दें थियरी ऑफ कॉस्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म Price determination under different market forms: perfect competition, monopolistic, oligopoly, duopoly, monopoly. Price discrimination. Then pricing strategies: just skimming, penetration, all those things. Business finance: scope and sources of business finance, lease financing, cost of capital, and time value of money, capital structure, capital budgeting, uh, working capital management, risk and return analysis, international monetary system, foreign exchange management, international financial markets, international uh, arbitrage. Right. यूनिट नंबर फाइव जिसमें बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स के तो मेस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ डिस्पोशन मेजर्स ऑफ स्किवनेस कोशन एंड रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्ट रिसर्च में डेटा कलेक्शन सैम्पलिंग एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट मेथड सैप्लिंग प्रोबाटी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दैन वबाउट हाइपोथिस टेस्ट ई टेस्ट अनोवा का स्क्र दैन रिपोर्ट राइटिंग एट दी एंड राइट पांचवें यूनिट की बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड एच आर मैनेजमेंट देन यहाँ पे आ जाता है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी मोटिवेशन एंड लीडरशिप कॉर्पोरेट गवर्नेंस एच मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल Uh, collective bargaining, then personality and uh, perception attitude elements, group dynamism, power, and organizational culture at the end, unit number seven back to banking and financial institutions, so overview of Indian financial system, types of banks, reserve bank of India, banking sector reforms in India, financial markets, financial institutions, financial regulators, financial sector reforms then uh, what what we call digitization of banking, insurance then मार्केटिंग मैनेजमेंट की हम बात करें तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट डिसीजन प्राइसिंग डिसीजन प्रमोशन डिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर बिहेवियर सर्विस मार्केटिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट नाइन्थ यूनिट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में आता है सबसे पहले आता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देन उसमें इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट से रिलेटेड इंडियन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज फ्री कॉन्सेप्ट डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्वाज आई कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनटी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी Sale of goods Act, nineteen thirty. This means sale and uh, agreement to Sale, Doctrine of caveat emptor. Rights of unpaid seller and rights of buyer. Negotiable instruments Act, eighteen eighty one. Types of negotiable instrument, negotiation and instrument uh, dishonor and discharge of negotiable instruments. Then the Companies Act, two thousand thirteen. Nature and kinds of companies, company formation, management meetings and winding up of a joint stock company. Limited liability partnership structure and procedure of formation of LLP in India. The Competition Act, two thousand two. Objectives and main provisions. The Information Technology Act, two thousand. Objectives and main provisions. Then RTI Act 2005, objectives and main provisions, intellectual property rights, and then goods and service tax. Finally, unit number 10, let's talk about income tax and corporate tax. So, income tax is basic concept residential citizen tax, tax incidence, exemption income, agriculture income, computation of taxable income under various heads, deductions from gross total income, assessment of individuals, clubbing of income, international taxation, double taxation, and its avoidable mechanism. Then, corporate tax planning. एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टेक्निक ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग टैक्स कंसड्रेशन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशंस मेक और बाय डिसीजन देन डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सिंग्स ऑफ इनकम टैक्स यह हो गया, गया हमारा पेपर टू का सिलेबस दैट्स ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग